Good morning, everyone. Today, we are going to study the civics fourth chapter of class 6 the key element of democratic government. Democracy is a form of government that is elected to power by the people of the country. There are some of the key elements that influence the working of our democratic government, namely participation, accountability, conflict resolution, equality and justice. Among these key element today we are discuss on participation. Participation is the act of taking part in some something in a democracy the people take part in the formation and dissolution of the government participation can take place either directly or indirectly elections are the most direct method of participation in a representative democracy all adult members of a democracy irrespective of their religion caste class or gender can elect their leader through voting These leader act as representative of the people of the in the government once elected, a government can stay in power for a fixed period of time. In India, it is five years. In this five year, the government has to work for the good of or welfare for the people. If they perform well, the people may choose to re elect them to power. This ultimate power in a democracy lie in the hands of the people there are also many indirect ways in which people participate in the functioning of the of a democracy if people want new laws or are dissatisfied with existing one they can express their opinion by writing letter to the editor of newspaper एंड मैगजीन एंड यूजल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर एंड फेसबुक आज हम सभी के फोर्थ चैप्टर में हैं द के एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसा कि हम सभी जानते हैं डेमोक्रेसी एक प्रकार का सरकार का स्वरूप होता है जिसमें सरकार जो है लोगों के तरफ से चुनकर शक्ति में किसी देश में आती है यह इसके साथ साथ इसके कुछ मुख्य घटक भी होते हैं जो कि इसके कार्यों को प्रभावित करते हैं एक प्रजातांत्रिक सरकार को जिसको मुख्यतः हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन सहभागिता अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन विवाद निपटारण इक्वालिटी एंड जस्टिस न्याय न्याय और समानता इन मुख्य एलिमेंट्स में से हम एक पार्टिसिपेशन को आज ध्यान से देखेंगे पार्टिसिपेशन जो है एक तरह से एक किसी कार्य में हिस्सा लेना लेने को कहते हैं जैसे कि अगर प्रजातंत्र में लोग अगर हिस्से नहीं लेंगे तो कोई किसी तरह का सरकार नहीं बन पाएगी लोग प्रजातंत्र में प्रत्यक्ष रूप से सरकार को बनाने के लिए या सरकार को हटाने के लिए भाग लेते हैं इसमें या तो लोग जो हैं या उस देश के नागरिक जो हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भागी भाग ले सकते हैं जब चुनाव होता है तो इस तरह के अधिकांश मेथड में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपने प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव को प्रजातंत्र के अंतर्गत चुनते हैं वे सभी व्यस्क व्यस्क लोग या सदस्य हमारे देश के प्रजातंत्र में बिना किसी भेदभाव के धर्म जाति वर्ग लिंग को देखे बिना वे अपने नेता को चुनते हैं वोट के द्वारा और बाद में यही लीडर जो हैं और नेता जो हैं इसके इन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार के रूप में एक बार जब कभी भी सरकार बन जाती है वो कुछ समय के लिए जो निश्चित अवधि है उस समय तक वो कार्य करती है भारत में यह समय जो है पाँच साल या पाँच वर्ष के लिए निश्चित की गई है इस पाँच साल में सरकार जो है लोगों के भलाई के लिए और अच्छे कार्य करेगी अगर लोगों का उनके उनके द्वारा किए हुए कार्य जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व तो प्रतिनिधि आते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य लोगों के लिए अच्छे होंगे और लोगों को अच्छा लगा तो लोग जो होंगे देश के नागरिक जो होंगे उनको दोबारा फिर से चुन कर वोट देकर वापस शक्ति या पावर में या सरकार में ला सकते हैं यही सबसे अल्टीमेट पावर है प्रजातंत्र का जो कि लोगों के हाथ में या नागरिकों के हाथ में होता है देश के यहाँ पे एक और अप्रत्यक्ष रूप से रास्ता है लोगों का इसमें भागीदारी होने का जब कभी भी सरकार अगर या कोई सरकार या कोई मंत्री सही रूप से कार्य नहीं कर पाते तो अगर लोग निराशा निराश हो चुके हैं और अपना निराशा निराशी को निराशापन को दिखाना चाहते हैं तो वो दिखाया जा सकता है ओपिनियन को रख सकते हैं अपने विचारों को हम रख सकते हैं किसके माध्यम से तो हम एडिटर के पास पत्र लिखकर समाचार पत्रों में मैगज़ीन में या फिर आज के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ट्विटर हो गया फेसबुक हो गया वहाँ पे हम अपना असंतोष जता सकते हैं सरकार के खिलाफ में